दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इंफोसिस लिमिटेड की तरफ से दो नहीं बल्कि तीन बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है जिसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर इंफोसिस के शेयर होल्डर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आज कंपनी के यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कंपनी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंफोसिस के कंपनी ने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को 7 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस यहाँ पर कर लिया है। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इंफोसिस ऐसा करने वाली आईटी सेक्टर की इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसको देखते हुए आज के दिन इंफोसिस के अंदर हमें नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ अगर आपने इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर मैं दो और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद में आपने भी अगर इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बिल्कुल भी स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है जो कि 3 अगस्त 2021 यानी कि आज ही के दिन की निकल कर आई है, जिसमें इंफोसिस लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज रिगार्डिंग अ प्रेस रिलीज्ड ऑन 3rd अगस्त 2021, जिसका टाइटल की अगर बात करी जाए तो यूनियन बैंक ऑफ द फिलीपींस सिलेक्ट्स फिनेकल डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस स्वीट ऑन क्लाउड। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ द फिलीपींस ने जो यहाँ पर अपने बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए इंफोसिस को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, जिसको देखते हुए इंफोसिस के जो टारगेट हैं वो अब आपको 3,000 रुपये तक भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर आगे कवर करने वाला हूँ, तो कंप्लीट न्यूज़ को समझिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ द फिलीपींस हैज सिलेक्टेड इंफोसिस फिनेकल्स क्लाउड बेस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन स्वीट। इन्फोसिस फिनेकल इज अ पार्ट ऑफ एजवेयर सिस्टम, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ बेंगलुरु हेडक्वार्टर आईटी सर्विसेज मेजर इन्फोसिस लिमिटेड। यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड की जो ओन सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस फिनेकल, उन्हें यहाँ पर ये जो डील से ये हाथ लगी है। अब अगर आप इस डील की साइज़ देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी साइज़ से ही एनालिसिस हो जाएगा कि ये कंपनी को जो अचीवमेंट हाथ लगा है ये कितनी बड़ी डील से है और इससे कंपनी के अंदर कितना शानदार आपको रेवेन्यू ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस विल माइग्रेट फ्रॉम एन ऑन प्रीमाइसिस डिप्लॉयमेंट टू द फिनेकल डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन स्वीट ऑन क्लाउड एंड इन्फोसिस स्टेटमेंट सेड ऑन ट्यूजडे ओवर 8 मिलियन कस्टमर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता था। आप देख सकते हैं जो यूनियन बैंक फिलीपींस के कस्टमर्स है उनके नंबर्स देखिए, 8 मिलियन कस्टमर्स विल बी कंसीडर्ड फॉर माइग्रेशन टू द न्यू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर यूनियन बैंक फिलीपींस जो अपने सिस्टम को, जो कि उनका डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम है, उसे यहाँ पर और एडवांस करना चाहती है, जिसके कारण उनके जो 8 मिलियन कस्टमर्स का डेटा है उसको यहाँ पर मैनेज करने का काम दिया है इंफोसिस फिनेकल को। तो डेफिनेटली कंपनी को यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील्स तो हाथ लगी ही है, इसी के साथ में जो 8 मिलियन कस्टमर्स है कंपनी के, यानी कि यूनियन बैंक फिलीपींस के, वो कहीं ना कहीं हमें इंफोसिस के तरफ भी अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द ट्रांजेक्शन विल इनेबल यूनियन बैंक टू स्केल बोथ इट्स रिटेल एंड कॉरपोरेट बैंकिंग ऑपरेशंस, रैपिडली डेवलप एंड डिप्लॉय न्यू कैपेबिलिटीज एंड डिलीवर फंक्शनल फ्रिक्शनलेस पर्सनलाइज्ड एंड सिक्योर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन अ कॉस्ट इफिशियंट मैनर द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें यूनियन बैंक फिलीपींस ने जो ये डील्स, जो ये प्रोजेक्ट इन्फोसिस को दिया है, इससे इन्फोसिस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग द क्वार्टर, द कंपनी वॉन 22 लार्ज डील्स, यानी कि कंपनी के हाथ में लगभग 22 बड़ी डील्स हाथ लगी है, जिसकी अगर वर्थ की बात करी जाए तो 2.6 बिलियन होती है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसी कारण इन्फोसिस के जो टारगेट प्राइस है वो 3,000 रुपये तक लगाई जा रही है, आउट ऑफ विच 9 वेयर इन फाइनेंशियल सर्विसेज
प्लेसेस फॉर ईच इन रिटेल एंड एनर्जी यूटिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, टू इन मैन्युफैक्चरिंग एंड वन ईच इन कम्युनिकेशन, हाईटेक एंड लाइफ साइंस सेगमेंट्स। तो यहाँ पर कंपनी के हाथ में जो 22 बड़ी डील्स हाथ लगी हैं उनका बाइफर्केशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो वर्थ है वो 2.6 बिलियन US डॉलर है। तो यदि आपने भी इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ इंफोसिस ने जो आज अपने 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन के फिगर्स को क्रॉस किया है, उसमें कंपनी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि ऐसा करने वाली सिर्फ अगर इंडिया की कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि आईटी सेक्टर की नंबर वन दिग्गज कंपनी है, और उसी के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वो है इन्फोसिस, और साथ ही साथ HDFC बैंक लिमिटेड हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज ही के दिन 7,04,963 करोड़ रुपए के पार चला गया है। यदि आपने भी इंफोसिस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो काफ़ी बुलिश निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि इन्फोसिस के अंदर अभी आपको बायबैक भी रनिंग होते हुए देखने को मिल रहा है जो कि दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके कारण इसके जो शेयर प्राइस के टारगेट हैं वो दिसंबर तक ही आपको 1750 रुपये तक भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट 1 मंथ के टारगेट में अगर आपके साथ शेयर करूं तो इन्फोसिस के अंदर जो 3 रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस तो आज ही के दिन हमें अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है, लेकिन कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 1678 रुपये का, और नेक्स्ट वीक के लिए जो यहाँ पर इन्फोसिस का रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 1734 रुपये का। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो इन्फोसिस के अंदर जो ऑल टाइम सपोर्ट है 1555 रुपये का, आप उसे लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा सपोर्ट 1500 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 1465 रुपये का निकल कर आ रहा है। हालांकि इन्फोसिस के अंदर जो आपको रोज यानी कि डेली बेसिस पर नए 52 वीक के हाई देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से इसका जो RSI लेवल और MFI लेवल है वो पूरी तरीके से ओवरबॉट जोन में जा चुका है, और इसी के साथ में शेयर्स के अंदर अब आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यदि आप इस शेयर के अंदर फ्रेश पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं जब तक शेयर के अंदर थोड़े बहुत करेक्शंस आपको देखने को नहीं मिल जाते हैं। और अगर आपने इन्फोसिस के अंदर पोजीशंस बनाए रखी है तो आप यहां पर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले 1 साल के अंदर इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 74% के रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिए हैं, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले जिस शेयर की प्राइस आपको लगभग 950 रुपये करीबन देखने को मिल रही थी, आज वो करंट शेयर प्राइस 1657 रुपये पर ट्रेड कर रही है, यानी कि 707 रुपये की जंप हमें सिर्फ 1 साल के अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो यदि आपने भी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप बहुत ही शानदार शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।